हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर महिमा हांडा, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम सैंड पपी। आज मैं बात करने वाली हूँ उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जो सीनियर सिटीजन्स कॉमनली फेस करते हैं। एल्डरली पॉपुलेशन में क्रॉनिक डिजीजेस जैसे ब्लड शुगर एबनॉर्मैलिटीज, हार्ट डिजीजेस ऐसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसकी वजह से सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। ब्लड पहले जैसे न्यूट्रिएंट्स को जल्दी रिप्लेनिश नहीं कर पाता है। वेरिकोस वेन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इससे ब्लड एक्सट्रीमिटीज़ में स्टैग्नेंट हो जाता है और स्वेलिंग इंक्रीज हो जाती है। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथ और पैर में। आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे एंकल पंप, इसमें अपने एंकल को अंदर की तरफ खींचे और बाहर की तरफ लेके आए। आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, इस सब से आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहेगा। बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स भी पहले से थोड़े वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेन्स और स्प्रेन्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे हील रेजेस कर सकते हैं, स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं चेयर के सपोर्ट के साथ। बैलेंस और स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से फॉल गिरने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आर्थ्रोपैथीज जैसे आर्थराइटिस की वजह से जॉइंट पेन भी बढ़ जाता है। मैं लास्ट वीडियो में मैंने कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात की है जो आपके बैलेंस को इम्प्रूव करेगा और फॉल्स के चांसेस रिड्यूस करेगा, तो ज़रूर देखें। ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप हो सकते हैं जो कि बोन के एक्स्ट्रा ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं। नर्व कंप्रेशन और नर्व इरिटेशन भी हो सकता है, इसका मतलब नर्व फॉर एग्जांपल दो वर्टिब्रे के बीच में दब सकती है। ऐसे कई हेल्थ इश्यूज हैं जो सीनियर सिटीजन्स को फेस करना होता है एंड नो वन इज़ इम्यून टू एजिंग, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। इसीलिए आप एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशियस मील खाइए हर रोज, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, योग और मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिलीव रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।